हाय इंडियन गेमर्स, क्या हाल चाल है। एक और गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अब दरअसल मैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ फॉलआउट 84 के रिगार्डिंग। जी हाँ, कुछ यूट्यूबर से ये बोल रहे हैं कि जो ये गेम है ओमेगा लीजेंड और फोर्टनाइट की जैसे फेल्ड हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? ओमेगा लीजेंड इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो फोर्टनाइट जैसा गेम था और उसके भी अंदर भी 6-7 वेपन्स होते हैं और हम इंडियंस ने पबजी खेला है जिसके अंदर 2-3 वेपन्स मैक्सिमम होते हैं, तो हमें उसी की आदत है। एक्चुअली में देखा जाए तो यही एक बड़ा रीजन आप मान सकते हो इस गेम का, फोर्टनाइट और ओमेगा लीजेंड का फेल होने का, यही रीजन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। अब चलते हैं गेम प्ले वीडियो में। मैं इस घर के पास आ जाता हूँ और देखो, आपको गन चाहिए घर के पास आ जाइए, गन आपको इजीली मिल जाएगी। तो अब मैं गन वन लूटा और अब बंदों की खोज में मैं इधर उधर घूम रहा था। अब यहाँ पर मैंने जंप पैड की मदद ली, हाइट का एडवांटेज लिया और फाइनली मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है। भाई फायर किया लेकिन वो बच गया। फाइनली एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है और उसे नॉक किया और उस बंदे को भी मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया, तो दोनों बंदों का किल मुझे इजीली यहाँ पर मिल गया। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कि एक और बंदा यहाँ पर फायर कर रहा है। तो पास गया इस वाले घर पे और इस घर के अंदर सुनील बैठा था। सुनील को अब देखो कैसे मारते हैं। और फाइनली यहाँ पर सुनील भी मर गया। बैकग्राउंड में देख रहे हो बहुत तेज आवाज आ रही है गन्स की। अब यहाँ पर इस घर के पीछे एक बंदा था, अब देखो उसे कैसे मारते हैं। पीछे से आके थप्पा कर दिया मैंने। भाई इसे नोक किया, ये तो डायरेक्ट खत्म हो गया। इस बंदे ने एक और बंदे को नोक किया हुआ था तो इसका किल भी मुझे इजिली मिल गया। तो यहाँ पर मेरे 5 किल हो चुके थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि टिनमैन प्लेक्स में एक बंदा दिखाई देता है। अब उसे देखो कैसे नॉक करते हैं। भाई इसे नॉक किया, मुझे लगा कि इसका बंदा आएगा, तभी एनर्जी पुल पे एक बंदा आता है और भाई इसे भी इजीली यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। तो अब देखो टिनमैन प्लेक्स में और कोई बंदा नहीं था और वो नॉक बड़ा हुआ बंदा मैंने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं था तो मैं आ गया शॉपिंग मॉल के सिटीज के अंदर और तभी ब्रिज पे मुझे कार आती हुई दिखाई देती है। जंप पैड की मदद लिया, लॉन्ग जंप लिया, कार पे मैंने दबक के फायर किया। और तभी वो बंदा निकलता है और इसे इजीली यहाँ पर नॉक कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि और बंदा होगा लेकिन यहाँ पर और कोई बंदा नहीं था। भाई इसे यहाँ पर फिनिश कर दिया मैंने। अब देखो अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे साथ खेलना चाहते हो 11:35:25 मेरी आईडी है, तो एक बार मेरे को रिक्वेस्ट भेज दीजिए और खेलते हैं साथ में। कभी मैं ऑनलाइन आ जाऊँ फटाफट मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। तो इस गेम में लाइक एम रखते हैं 13 का, जी हाँ 13 का हमने लाइक एम रखा है, तो एक बार कर देना है ना, इज्जत मत डूबा ना मेरी। यहाँ पर मुझे एक कार में एक बंदे की आवाज़ आती है जो कि कार चला रहा था। तभी वो बंदा एकदम से निकलता है, मुझ पर फायर किया लेकिन उस बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया। और देखा जाए तो किल फील्ड में इस बंदे ने बहुत बंदे मारे हैं और ये सब यहाँ पर मुक्ति दे दी मैंने। तभी मेरे को एक शीरियो गाड़ी यहाँ पर दिखाई देती है और मुझे लगता है कि ये बंदे ने टक्कर मारी है, वो बंदा है लेकिन ये एक रोबोट था। अब शीरियो है वो यहाँ पर ब्रिज पर रुक जाती है और भाई मैंने यहाँ पर उसे दबक के डैमेज देने की पूरी पूरी कोशिश की। तभी एक और बंदा यहाँ पर कार लेके आता है और भाई इसे देखो कैसे मारते हैं, पूरा पूरा कार को मैंने भभक के डैमेज दिया है। अब इनकी कार ग्लिच हो रही थी तो यस भाई को तो फट के मुक्ति मिल गई। और मैं देख रहा था एक्चुअली सीरियो कार कहाँ गई। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कवर ववर लिया और तभी मेरे पीछे से फायर हुआ, मेरे पीछे एक बंदा आ गया। अब देखो इस बंदे ने मुझे कितना रुलाया है।
एक्चुअल में ये बंदा प्रो था। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। कबड्डी खिलवा दी भाई इसने तो। अब मैंने स्किल यूज़ की, दो गोली उसे पड़ी, और मैं जानता हूँ कि स्किल यूज़ करने के बाद दो गोली भी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज लगता है। अब दरअसल मुझे भी बहुत डैमेज दे दिया उस बंदे ने, और फाइनली उस बंदे को दो गोली और मारी और ये यहाँ पर फिनिश हो गया। अब मुझे कोई बंदा वहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो जून की तरफ हम आए और पानी के घरों के पास यहाँ पर मैंने गाड़ी रोक दी। तभी मुझ पे दो तीन गोलियाँ फायर हुई और सामने की तरफ एक बंदा दिखाई देता है। तो भाई इसे यहाँ पर इजीली फिनिश किया और 13 किल हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, और हमें कोई भी बंदा कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो जून सरिंग हुआ और मैं धीरे धीरे ब्रिज के साइड आ गया। तो जो मेरा टीममेट था वो ऊपर जा रहा था, मैं भी सोचा कि फन में थोड़ा ऊपर चलते हैं, घूमते हैं, बड़े मज़े करते हैं, बंदा दिख तो जाएगा ही। और तभी मेरे बंदे पे एक फायर हुआ और भाई एक ही बार में उसे नोक कर दिया। स्नाइपर चल रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था वो बंदा कहाँ है, लेकिन मैं एडिटिंग कर रहा था जब मुझे पता चल गया था कि बंदा वहाँ पर है, लेकिन मुझे गेम के अंदर पता नहीं चल रहा था। और मैं बाहर निकलने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। और भाई मेरे टीममेट को इसने फिनिश कर दिया। तभी मुझे वो बंदा एक्चुअली भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब देखो वो बंदा शूटिंग वूटिंग कर रहा था या फिर टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ और गन नहीं चला रहा था, वो बस स्नाइपर चल रहा था। अब मुझे पता था कि भाई ये जोन के अंदर जरूर आएगा, इसी को ही आना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा था, अच्छा खासा गेम प्ले रिकॉर्ड हो रहा है और बिना विक्ट्री के हम मर जाएं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा था। उस बंदे को मैं पूरा यहाँ पर चांस दे रहा था जोन में आने का, कि जोन में आए और मैं इसे दबक के मारूँगा। तो आ तो सही, बंदा पूरा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और तभी वो बंदा ब्रिज पर आ ही जाता है। अब देखो ये बंदा फिर भी यहाँ पर इतना क्लोज होने के बाद भी स्नाइपर ही चला रहा था। भाई इस बंदे को मैंने पूरा डैमेज दिया, अच्छा खासा डैमेज दिया, जेटपैक को यूज किया, ऊपर उड़ा और भाई ऊपर से ही मैंने इसे मार दिया। भाई इजी विक्ट्री 14 किल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।